व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र संत शेखर कलिपावन अवतार भगवत भक्ति भूषण श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवत सत्ता सब में समान रूप से व्याप्त है, पर वे प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगे। प्रेम के कारण भगवान प्रकट होते हैं, और इसी तरह श्री तुलसीदास जी इस कथा में भगवान की व्यापकता का वर्णन करते हुए प्रेम से जिन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई है उनका वर्णन करते हैं। भगवान शिव से माता पार्वती पूछती हैं, हे महाराज, पहले तो आप हमें यह बताएं कि जो निर्गुण है क्या वही सगुण है, जो निराकार है क्या वही साकार है। भगवान शिव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान शिव ने कहा कि जैसे जल है, नीर है, निराकार है, निराकार, इस जल को कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता, जल को कोई मुट्ठी में बांधकर नहीं रख सकता, पर इसी जल को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो, कुछ नहीं मिलाया जल में, तनिक सी देर में वह जल ही बर्फ हो जाता है, तो बर्फ साकार होता है, इसको व्यक्ति पकड़ सकता है, यद्यपि वह जल का आकार नहीं है, वह आकार तो कटोरी का है, पर बर्फ को पकड़ा जा सकता है, जल को पकड़ा नहीं जा सकता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसी तरह उस निराकार परमात्मा को कोई अपनी भाव की कटोरी में भरकर निष्ठा के फ्रिज में रख लेता है तो निराकार ही साकार हो जाता है, और आकार उसके भाव का होता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं तैसे। जैसे जल और बर्फ का टुकड़ा अलग अलग नहीं है, इसी तरह निराकार ही साकार है, निर्गुण ही सगुण है। और उनके अवतार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि व्यक्ति उनको ग्रहण कर सकता है। श्री सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कित धावें, और सब विधि अगम अगोचर याते सूर सगुण लीला पद गावें। और यही कारण है कि भगवान सगुण साकार हो जाते हैं तो सोई जस गाई भगत भवत रही। इसलिए भगवान निराकार से साकार हुए, प्रेम के कारण हुए। श्री राम जन्म के अनेक हेतु हैं,
परम विचित्र एकते एका, और अनेक कारण सुनाते गए। मुख्य रूप से कहा, जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। इन अधम अभिमानियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण एक कि धर्म की स्थापना संसार में तो भगवान के संकल्प से ही हो जाए, असुर अधम अभिमानियों का विनाश तो भगवान के संकल्प से हो जाए, फिर अवतार लेने की आवश्यकता क्यों? तो उत्तर दिया, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के लिए उनका अवतार होता है। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही कि श्री राम जी अवतार लेकर वनवासी क्यों बने? क्या रावण को मारने के लिए? रावण को मारने के लिए तो उनकी बड़ी भारी चतुरंगणी सेना थी, उसे साथ लेकर जाते। दस कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्ति मति नृपता होती खासी। और ऋषि मुनियों का सत्कार करना था तो ऋषि ओ मुनि के सत्कारन को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। यज्ञ जैसे आयोजन करके ऋषि मुनियों का स्वागत करते, अभिनंदन वंदन करते। मन राखते बंधु भरत को ओसी, श्री भरत जी का मन रखते, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। फिर बनवासी बने क्यों? बड़ी सुंदर बात कही, शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हु ना बनते बनवासी। बनवासिनी मैया शबरी के लिए भगवान बनवासी बने। सो केवल भक्तन हित लागी। भक्त के पास केवल पुकार, आंखों में आंसू और प्रभु की प्रतीक्षा। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो उस मर्ज की मंजिल, भला कैसे बताएं उस मर्ज की मंजिल। कैसे वर्णन करें उस प्रेम का, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। इस संदर्भ में भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने भगवत दर्शन की लालसा से वैकुंठ में प्रवेश करना चाहा, प्रभु के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें रोक दिया। बहुत अनुनय करने पर भी जब वे नहीं माने, तब उन्होंने श्राप देकर राक्षस बना दिया। भगवान उनके लिए अवतार लेते हैं। जलंधर का वर्णन किया, भगवान परम सती जलंधर की पत्नी, जिसकी शक्ति पति को मिल रही थी, उसे उस सतीत्व की शक्ति से विरत करके राक्षस वध में सहयोग करते हैं। और जब उसने मर्म जाना, भगवान को शाप दिया, भगवान ने स्वीकार किया श्री सालग्राम भगवान के रूप में।
और वृंदा ही श्री तुलसी जी बनी, भगवान आज भी उन्हें शिरोधार्य करते हैं। ऐसे भगवान शंकर वर्णन करते जा रहे थे और वर्णन करते करते बोले, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया इसलिए भगवान का अवतार हुआ। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, यह प्रसंग मुझे सुनाओ। आपने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया परम वैष्णव परम ज्ञानी, और नारद जी श्राप दें, पर आपने यह नहीं बताया कि भगवान का अपराध क्या था। यह है गुरुदेव के प्रति निष्ठा। भगवान ने अवश्य कोई ऐसी लीला की होगी, पर आप भगवान का अपराध नहीं बता रहे, देवर्षि नारद जी को ही दोष दे रहे हैं। इसलिए का अपराध रमापति की ना, भगवान नारायण ने कौन सा अपराध किया था, उनका अपराध तो बताएं। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे ही जब रघुपति करे जस सो तस ते ही छन होए, न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़, भगवान जब जिसे जैसा कर देते हो वैसे ही हो जाता है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे पास में है, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शान। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है समझदार परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ओ, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरे बन मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। ओ, मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। सजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। यही जब रघुपति करहिं जस, सो तस तेहि क्षण होए। लेकिन पार्वती जी आपका आग्रह है तब मैं वो कथा सुनाता हूं। देवर्षि श्री नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में गए और उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी, अत्यंत पावन उपत्यका। हिमालय ही पवित्र है पर यह गुफा श्री गंगा जी के किनारे है। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। श्री गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों का स्मरण हुआ। चारों ओर वृक्षों को देखकर, पर्वतों को देखकर, नदियों को देखकर
भगवान का स्मरण हुआ। कृति देखकर कर्ता का स्मरण होता है। मनुष्य जिसे निर्मित करता है उसे कृति कहते हैं और भगवान जिसे निर्मित करते हैं उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति देखकर भगवान का स्मरण। मन हुआ ध्यान करें, भगवान का भजन करें, थोड़ी देर बैठ जाएं। भाव बड़ा उत्तम है किंतु भाग्य परेशान कर रहा है। महाराज दक्ष ने श्राप दिया था। क्यों? उनके बेटे तपस्या के लिए जाते, लौट कर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और ऐसा समझाते कि बेचारे फिर वन को चले जाते। तो नारद जी तो संत बना रहे हैं सबको। महाराज दक्ष को पता लगा कि बेटे जाते हैं लौट कर आते नहीं, का नारद जी मिल जाते हैं, नारद जी जैसे संत जिसे मिल जाए वो लौट कर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, और यहां भी कैसे लौट कर आवे। और महाराज दक्ष ने श्राप दिया और आश्चर्य गृहस्थ ने श्राप दिया और विरक्त नारद जी को श्राप लग गया। यह कथा बड़ी अटपटी है कि संत बनाने पर श्राप मिल गया और गृहस्थ ने श्राप दिया, विरक्त संत को श्राप लग गया। पर यह कथा एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देती है। नारद जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, संत बना रहे हैं, पर आप एक बात तो सोचो, ठीक है संत बना रहे हैं बड़ा अच्छा है, पर प्रश्न एक है कि अगर सभी संत बन जाएं, सभी विरक्त हो जाएं, तो संत बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? आप सोचो, जब सब संत हो जाएं तो संत होने बंद हो जाएंगे? माता पिता न हो तो महात्मा का जन्म कहां हो? और महात्मा की कौन कहे? मैं तो कहूंगा कि अगर माता पिता न हो तो परमात्मा का अवतार कहां हो? महाराज दशरथ माता कौशल्या के यहां राम जी, श्री वसुदेव जी माता देवकी जी के यहां भगवान श्री कृष्ण, हमारे परम वंदनीय पूज्य संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते थे। उनसे किसी व्यक्ति ने कहा कि पाप अधिक बढ़ गया है, भगवान अवतार नहीं ले रहे, तो बाबा ने कहा कि तुमसे यह किसने कह दिया कि पाप के कारण भगवान आते हैं? हमने तो यही सुना है। नहीं नहीं, भगवान के आने से पाप मिटता है, पर पाप भगवान को बुला नहीं पाता। जब पुण्य नहीं बुला पाता तो पाप क्या बुलाएगा? वे तो प्रेम थे, प्रकट हो ही मैं जाना। तो कहा कि महाराज फिर तो बाबा मुस्कुरा कर कहते कि भगवान पाप के कारण नहीं आते हैं, बाप के कारण आते हैं। अभी तो भगवान माता पिता खोज रहे हैं कि कोई वसुदेव देवकी तो हो, कोई कौशल्या जी दशरथ जी तो हो, तब हम अवतार लें। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। दक्ष ने श्राप दे दिया और लग गया। नारद जी को श्राप दिया कि ज्यादा देर कहीं नहीं रुक सकते, पर नारद जी को कोई बुरा भी नहीं लगा। नारद जी ने कहा कि और जगह जाएंगे। अभी थोड़ी ज्यादा देर रुककर एक जगह लोगों का भला करते थे, अब ज्यादा जगह जाएंगे। लेकिन आज यह बात खटक गई। भगवान का भजन करना चाहते हैं और भाग्य दौड़ा रहा है। भजन स्थिरता देना चाहता है और भाग्य अस्थिर किए हुए है। क्या करें? हम लोग सोचते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, निश्चित रूप से जो करेगा उसे मिलेगा फल। आप ऐसे सोचें, एक राहगीर सड़क किनारे जा रहा है,
उसने एक बगीचा देखा, आम का बगीचा था, बड़े सुंदर फल लगे थे, सुस्वादु भी प्रतीत हो रहे थे। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया, दबे पांव गया, फल तोड़ा। अब आप इस कहानी के मर्म पर विचार करना, फल देखा आंख ने, फल देखा आंख ने, पर आंख फल के पास जा नहीं सकती, चल कर गए चरण। अच्छा, चरण फल के पास पहुंच जाए तो चरण फल तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। इसका अर्थ जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं। और एक अद्भुत बात, फल हाथ तोड़ भी ले तो हाथ को स्वाद नहीं मिलता कि फल खट्टा कि मीठा। फल चखा रसना ने, इसका अर्थ जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, और जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया, दबे पांव बिल्कुल चुपचाप फल खाते हुए देखा, वो डंडा लेकर आया और दो चार डंडे पीठ में जमा दिए। एक सज्जन कह रहे थे, ये बात समझ में ही नहीं आती, देखे आंख चलकर जाए पांव, तोड़े हाथ, चखे रसना, रखे पेट और पिटे पीठ। पीठ बिचारी ना लेने में ना देने में। एक महात्मा वहां विराजमान थे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी कहानी में ही इस प्रश्न का उत्तर है। कैसे? का थोड़ा और बढ़ाओ। पीठ में डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ, हाँ रोए, हाँ रोया, आंसू कहाँ से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने ही। तो चाहे जितने घुमावदार ढंग से मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका कर्म है। निश्चित रूप से उसी को मिलेगा। हजार गौएं हों, हम अपनी गाय को नहीं पहचान पाएंगे, पर उन हजार गौओं में उनके बछड़ों को छोड़ दिया जाए, वे अपनी अपनी माता के पास पहुंच जाएंगे। इसी तरह प्रत्येक भोक्ता को उसका प्रारब्ध पहचानता है। इतना अवश्यम भावी सिद्धांत है, यह होगा। लेकिन हमारे भक्तजन कुछ और कहते हैं। काशी के राजा श्री तुलसीदास जी के पास गए और कहा कि मैं बहुत विवश हूं, नवग्रह प्रतिकूल हो गए, मार्केश का योग है, बचना मुश्किल है। रोने लगे, पर श्री तुलसीदास जी ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, नवग्रह प्रतिकूल हैं, हाँ नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है, कौन सा? भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो क्या करें नवग्रह। और उन्होंने एक पद गाया, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे। ग्रहों का वर्णन है। हा राम सूरज मंगल सोम प्रभु सुत बुध यरु गुरु वरदायक तेरो राहु के तुकी।
करे तब जाने। नवग्रहों का वर्णन, सूरज मंगल सोम माने चंद्र, सूरज मंगल सोम भृगु सुत शुक्र बुध गुरु राहु केतु और शनिश्चर। अगर भगवान कृपा करें तो हमें इस कर्म भोग से बचा सकते हैं। अब यह बात तो समझ में नहीं आई, एक और तो कहते हैं कर्म भोग अवश्यम भावी है, एक और भगवान बचा सकते हैं। आप ऐसे सोचें जैसे कोर्ट में कोई मुकदमा हार जाए तो हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट में हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाए फिर कहां जाए, वह तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कोई अपराधी राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि मुझे बचा लें, राष्ट्रपति चाहे तो उसे मृत्युदंड से बचा सकता है, मर्सी ऑर्डर। इसी तरह हम अपने भाग्य के भोग से अत्यंत विवश मजबूर होकर जब भगवान को पुकारते हैं, और अगर भगवान चाहें तो हमें अपने उस कर्म भोग से बचा सकते हैं उनकी कृपा। इसलिए कर्म का सिद्धांत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर भगवान की कृपा की अपनी विलक्षणता है। श्री नारद जी ने भगवान को पुकारा, भगवान को पुकारा सुमिरत हरि ही, श्री हरि का स्मरण किया तो साप गति बाधी, साप की गति अवरुद्ध हो गई। सहज विमल मन लागी समाधि, परम पवित्र मन था समाधि लग गई। अब नारद जी भगवान के भजन में मगन, देव ऋषि नारद जी की यह दशा देखकर देवराज को चिंता हुई, ये इतना